दोस्तों, इस दुनिया में अगर कोई है जो आपको बिना शर्त के प्यार कर सकते हैं, वो है आपके माता पिता। हमारे माँ बाप ही हैं जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें बड़ा किया और इस लायक बनाया कि आज हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। लेकिन आप सोचिए कि आपने उन्हें आज तक क्या दिया। बचपन से लेकर आज तक दूसरों को खुश करने के लिए हमने अपने माता पिता से सैकड़ों झूठ बोला, सैकड़ों बार गुस्सा किया। दोस्तों, अपने माँ बाप का हाथ पकड़ कर रखिए, लोगों के पांव पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। माँ की ममता और पिता की क्षमता का अंदाजा लगाना भी संभव नहीं है। याद रखना, माँ बाप उम्र से नहीं फिक्र से बूढ़े होते हैं। औलाद को इंसान बनाने की फिक्र में माँ बाप को मरने की भी फुर्सत नहीं मिलती। याद करो, जब आप बचपन में बीमार पड़ते थे तो आपके माँ बाप दवा और दुआओं में कोई कमी नहीं छोड़ते थे। लेकिन हम अपने नए नए दोस्त और नई प्रेमिका के लिए अपने माँ बाप को ही त्याग देते हैं। सोचिए, ऐसे में उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब बुढ़ापे में सहारा बनने के बजाय हम उन्हें ठुकरा कर जाते हैं। चाहे जितनी भी आजमा लो दुनिया को, माँ बाप के सिवा सारी दुनिया कोरी है। चाहे जितना भी संगीत सुन लो, सबसे सुरीली माँ की लोरी है। याद रखना, जिस दिन तुम्हारे कारण तुम्हारे माँ बाप के आंखों से आंसू आएंगे, उस दिन तुम्हारा किया सारा धर्म कर्म उन आंसुओं में बह जाएगा। अक्सर माँ की ममता का अंदाजा तो हर कोई लगा लेता है, लेकिन एक पिता के त्याग को कोई नहीं समझता। एक पिता आपके जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने सभी जरूरतों को भूल जाते हैं, बस इसलिए कि हमारे बच्चे किसी चीज के मोहताज ना हो। बदले में हम उनसे प्यार के दो मीठे बोल तक नहीं बोलते। जरा सोचिए कि ऐसे में उस पिता के दिल पर क्या बीतता होगा। जिन मूर्तियों को इंसान बनाते हैं, हम उनकी तो पूजा करते हैं, पर जिन्होंने हमें बनाया है, हम उन माता पिता की कदर तक नहीं करते। जरा सोचिए कि आपके अपने औलाद का बर्ताव जब आपको बुरा लगता है, तो आपका बुरा बर्ताव उनको भी तो बुरा लगता होगा। फूल कभी दोबारा नहीं खिलते, जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते। मिलते हैं लोग हजारों, पर हजारों गलतियां माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। इसलिए दोस्तों, अपने माँ बाप की कद्र करो। अगर आप हमारे बातों से सहमत है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।